हेलो नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट डेली आप लोग दिया करें और अपना मार्क्स भी बताया करें कि कितना आपका मार्क्स बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और कल 25 तक क्वेश्चन था, आज 26 के बाद से स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1995 में। ठीक है, 1995 ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 26 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो यह कहाँ किया गया डियर? कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका भी ठीक है, 27 का ऑप्शन ए, कोलकाता में भारतीय पुरातत्व स्मारक का संग्रहालय एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिरेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में यह वार्तालाप है? मिलिंद पैनहो, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाला था? लंगर परंपरा की नींव किसने डाला था? 29 नंबर क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास, क्लियर है क्लियर। नेक्स्ट, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जोरोस्टर पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, जोरोस्टर, याद रखिएगा। एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है, तो किनका यह मंदिर है? बौद्ध और हिंदुओं का, बौद्ध और जैन का, या हिंदू और जैन का, हिंदू बौद्ध और जैन का? तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर है, वो वहाँ पर आपका हिंदू का भी मंदिर है, बौद्ध का भी है और जैन का भी है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी उत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाथी उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ पर हाथी उत्सव मनाया जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका जयपुर। ठीक है, तो हाथी उत्सव जो मनाया जाता है वो जयपुर मनाया जाता है, राजस्थान की क्या है, कैपिटल है। लॉर्ड मिकाले संबंधित हैं, लॉर्ड मिकाले किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मिकाले संबंधित हैं आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मिकाले, इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन सी संस्कृत, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेघ जो गर्जन कहते हैं कि लाइट चमक रहा है, ठीक है, गर्जना हो रहा है, तो वो किस मंडल में होता है, वायुमंडल की किस परत में होता है, आपका क्वेश्चन ये है। तो या ये होता है आपका क्षोभ मंडल में, किस में होता है डियर? क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे स्मारक पुराना स्मारक ना तो कुतुब मीनार है, ना खजुराहो है, ना ताजमहल है, तो ये कौन सी है? अजंता की गुफा है। ठीक है, अजंता की गुफा सबसे प्राचीन स्मारक है। उपनिषदों में मुख्यतः क्या विवेचित है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मुख्यतः दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, उपनिषद में भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसको। 39 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ठीक है डियर, चलिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था?
रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट, किस पर स्वामित्व के लिए पाल परिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ किसके बीच में हुआ, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो किस पर स्वामित्व के लिए, पाटलिपुत्र, कन्नौज या दिल्ली। तो ये जो लड़ाई हुआ था इन लोगों के बीच में, त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, वो कन्नौज के लिए हुआ था। 42वां क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद खाली कर दें या पद पर ना हो किसी कारणवश, तब उनके काम कौन करता हो, तो उसका काम कौन करता है, उनका काम कौन करता है। 42 क्वेश्चन नंबर है और सबसे आसान क्वेश्चन है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसके काम को करता है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो प्रधान राष्ट्रपति का जो काम होता है, कार्य होता है, उपराष्ट्रपति कार्य होता है, दोनों कार्य दोनों दायित्व को निर्वहन करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये किससे प्रभावित है, ये प्रभावित है आपका इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से, क्योंकि जो हमने जो संसदीय प्रणाली बनाई है ना, वो हमने ऑप्ट किया है, ग्रहण किया है इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से प्रभावित है हमारी संसदीय प्रणाली। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, इसका कार्य क्या है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, ठीक है। ओजोन लेयर का कार्य क्या है भाई, समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है उसका कार्य यही है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं ना वो पृथ्वी तक ना पहुँचे, ठीक है, तो उसको हमें रोकता है ओजोन लेयर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह रचना किसका है, यह रचना किसका है, 45 क्वेश्चन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है इकबाल का, किसका है डियर, इकबाल का, याद रखिएगा ऑप्शन बी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था, तो ये आया था 1921 में, कब आया था 1921, ऑप्शन डी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी, जनरल डायर की हत्या किसने की, उधम सिंह ने, जनरल डायर की हत्या किया था उधम सिंह ने, जनरल डायर की हत्या किसने किया, उधम सिंह ने, उधम सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इजी क्वेश्चन हैं, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण खोखले, ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु कौन हैं, गोपाल कृष्ण खोखले, इजी क्वेश्चन, इट्स इजी वन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था साइमन कमीशन का 1928 में, बी ऑप्शन है 1928। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में नहीं है, आठवीं अनुसूची में नहीं है, कौन सी लैंग्वेज आठवीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी आठवीं अनुसूची में नहीं है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट बनता है, बाकी उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये शामिल है। सो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस फिनिश किया, डेली इस टेस्ट को आप दीजिए, आपका जीएस जो होगा वो पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आपको डेली पढ़ना होगा, और जो क्वेश्चन मैं स्टार बनाता हूँ उन क्वेश्चन को याद भी करना होगा कॉपी पे नोट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फेस्टिवल, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।